everybody welcome to the channel mind maps education so today we'll be studying chapter 14 from class 12th ncrt biology ecosystem इको सिस्टम हमारा एक फंक्शनल यूनिट हो जाता है फंक्शनल यूनिट हो जाता है किसका नेचर का ठीक है सो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर में क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे प्लस जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे तो इको जो है वो साइज के हिसाब से ग्रेटली वेरी कर सकता है जैसे कि हमारा एक पौंड है वो इको कहलाया जाएगा फिर एक लार्ज फॉरेस्ट और सी अब हम अगर यहाँ से देखें तो इको सिस्टम सेम अगर हम इसी में देखें कि जो इको सिस्टम है यहाँ पे पॉन्ड से जो हम सी में जा रहे हैं ये क्या है हमारे इक्वाटिक इको सिस्टम में आ रहे हैं पर आप साइज़ के हिसाब से देखो तो कितना वेरी कर रही हैं चीज़ें ठीक है सो so, कुछ इकोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला है कि इस पूरे अर्थ को उन्होंने एक लोकल इको सॉरी इस पूरे अर्थ को इन्होंने एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान लिया है मतलब इस एंटायर बायोस्फीयर को इन्होंने ग्लोबल इकोसिस्टम मान लिया है क्यों क्योंकि इन्होंने बोला कि जो हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम है ऑन अर्थ ये हमारा एक सिस्टम ही तो है जो कॉम्पोजिट ऑफ ऑल लोकल सिस्टम्स है मतलब कि छोटे छोटे इको को मिला के ग्लोबल इको का नाम दे दिया अब इसको ढंग से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट ने बोला कि दो बेसिक कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होगा एक्वाटिक जो पानी में होगा सो so, टेरेस्ट्रियल के कुछ एग्जाम्पल्स फॉरेस्ट ग्रास डेजर्ट और हमारे एक्वाटिक के हो जाएंगे पॉन्ड लेक वेटलैंड रिवर एंड एचरीज ठीक है अब इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हमारा क्रॉप फील्ड है या हमारा एकवोरियम है ये जनरली ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स में आता है वाई बिकॉज वी हैव डिवेलप्ड फॉर आर सेल्व ठीक है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है सो so, ये हमारा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में आ जाता है अब इसके आगे चैप्टर में हम आ, एक स्ट्रक्चर ऑफ इको को ढंग से पढ़ने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इनपुट इनपुट में सबसे क्या आ जाएगा हमारी प्रोडक्टिविटी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी प्रोडक्टिविटी जो कर रहा है ठीक है उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ़ एनर्जी ऑफ कोर्स, ट्रांसफर ऑफ़ एनर्जी आ जाएगी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस वे में वैसे देखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब फूड चेन न्यूट्रिय साइकिल ओके नेक्स्ट इज आउटपुट अब जो चीज़ इनपुट हुई है उसका आउटपुट होना भी ज़रूरी है तो वो हम देखेंगे डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस के रूप में किसी भी इकोसिस्टम का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो यही होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे प्लस टू दी एनवायरनमेंट ऑफ और फिजिकल सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे हम ब्रॉडली इसको इस बात इस बात को इस तरीके से रख सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में होगा और वही एक वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक होगा फॉर एनी टाइप ऑफ द इको राइट right? अब अगर हम डिफरेंट अगर हम एग्जांपल ले ले सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का तो वहाँ पे अगर हम समझे सो इट्स लाइक कि अगर हम उनकी अलग अलग स्पीशीज़ को एक स्ट्राटी स्ट्राटिफाई कर दें ठीक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट लेवल पर जो आती है तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो समझने की ज़रूरत है नेक्स्ट इज अगेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जैसे जो हमारे लंबे पेड़ हैं ठीक है जो हमारी ट्रीज हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं सबसे पहले वाला स्ट्राटा इन द स्ट्राटिफिकेशन लेवल राइट और इन द वर्टिकल स्ट्राटा वाई क्योंकि ये सबसे ऊपर की तरफ होती है अगर उनके नीचे हाइट में देखें हम या उनके नीचे लेवल पे देखें तो क्या आते हैं श्रब्स आते हैं और सबसे नीचे कौन से होंगे हमारे हर्ब्स या ग्रासेस होंगे जो is, कि बॉटम लेयर को ऑक्युपाई करके रखेंगे नेक्स्ट इज कि कॉम्पोनेंट ऑफ द इको सिस्टम जो है वो तभी समझा जाएगा एज अ एज अ फंक्शनल यूनिट जब उनमें ये वाले एस्पेक्ट सारे के सारे देखने को मिलेंगे कौन कौन से प्रोडक्टिविटी डीकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रन साइकिल अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वो है हमारा पोंड का एग्जाम्पल ठीक है सो so पोंड जो इको सिस्टम है वो एक वेल वेल हाउ हाउ कैन आई पुट दिस इन टू यू हाँ वेल एग्जीबिटेड एक हमारा एग्जाम्पल है पोंड का सो so, पॉन्ड जो है सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड ये जो हमारे भी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट थे ऊपर जो हमने पढ़े थे उनको समझने के लिए सो पॉन्ड इज अ शैलो वॉटर बॉडी ठीक है और यहाँ पे जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा वाटर प्लस कुछ डिजोल्ड इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अलावा रिच सॉइल है जो बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है पोंड के तो वो भी काम आता है इसमें जो हमारे प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी uh, जो आएगी या जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो होगा हमारा ऑटोट्रोफ्स से ऑटोट्रोफ्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे जैसे कि फाइटो ठीक है देन एलगे और कुछ हमारे फ्लोटिंग या सबमर्स्ड या मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट दी एजेस तो कुछ ऐसे प्लांट्स या तो जो फ्लोट कर रहे हो जो नीचे डूबे हुए हो हों या पौड के जस्ट साइड में मार्जिनल एजेस हो ठीक है उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं जो ऑटोट्रोफ्स जो खाना बना रहे हैं अपनी सोलर एनर्जी लेके और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हुए उन उनपे कौन फीड करेगा उनपे कंज्यूमर्स फीड करेंगे जो कि हमारे पौंड में हो जाते हैं जू प्लैंगटॉन जू प्लैंगटॉन्स एक्चुअली फ्री स्विमिंग होते हैं जो कि बॉटम पे ड्वेल करते हैं नेक्स्ट इज डीकंपोज डीकंपोज हमारे आ जाते हैं फंगी बैक्टीरिया और कुछ फ्लाजिलेट्स ठीक है तो ये डिकम्पोज करते हैं तो देखा जाए तो जो हमारा पॉन्ड है ये परफॉर्म कर रहा है ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल अब यहाँ पे क्या होगा कन्वर्जन होगा इन ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में किसकी वजह से विद दी हेल्प ऑफ दी रेडियंट एनर्जी जो कहाँ से मिल रही है सन से मिल रही है और उसको चेंज कौन कर रहा है ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं उसके बाद कंजम्पशन कौन करेगा ऑटोट्रॉफ्स का हमारे हेड्रोट्रॉफ्स जिसके एग्जांपल क्या थे जू प्लैंटॉन्स थे नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन जो है हमारे डेड मैटर का वो कौन करेंगे ये हमारे फंगी बैक्टीरिया और कुछ फ्लाजिलेट्स करेंगे अब ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और इसका जो एक आउटपुट है जो हमारा एनर्जी लॉस है वो किस तरीके से निकलेगा इसका निकलेगा इट विल डिसिपिट डिसिपेट और लॉस एज अ हीट टू एनवायरनमेंट, ठीक है ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होता है किसी भी इकोसिस्टम की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी होती है ठीक है सो सोलर एनर्जी इज मस्ट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन और सस्टेन सो अब यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहली हमारी प्राइमरी प्रोडक्शन और दूसरी हमारी सेकेंडरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ बायोमास एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर अब हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो बायो बायोमास है वो कौन प्रिपेयर कर रहा वो हमारे प्लांट्स करेंगे और प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथिस एंड देरफोर हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा वो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथिस बट अगर हम इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली पढ़ें तो इट इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है अभी जो पर यूनिट एरिया जो हमारा प्रोडक्शन होगा उसको हम एक्चुअली में एक्सप्रेस करते हैं वेट के टर्म्स में सो so, वेट के टर्म्स में अगर हम इसको इस तरीके से करें तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा अगर हम ईयर में देखें तो ये हो जाएगा ठीक है इसलिए इसकी जो नॉर्मल यूनिट है वो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे ये डिनोट होगी कुछ इस तरीके से इसके अलावा वेट के अलावा हम इसको एनर्जी के रूप में भी एक्सप्रेस uh, कर सकते हैं सो इट विल बी किलो कैलोरीज ठीक है नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है हमें इसको नॉर्मली या तरीके से कंपेयर करने के लिए बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं दो तरीके में पहला आता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दूसरा आता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की वो प्रोडक्शन होता है या वो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ठीक है तो ये नॉर्मल प्रोडक्शन जो करेंगे वो होता है पर एक्चुअली में क्या होता है जनरली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो है या बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो प्लांट्स खुद यूटिलाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्यों क्योंकि उनको भी फिलहाल जो है मतलब दे दे हैव टू लिव ठीक है दे हैव टू हैव देयर ओन कोर्स ऑफ टाइम ऑन दिस अर्थ सो इसके लिए क्या करेंगे वो तो अपने जीने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो पहले हुई थी हमारी प्रोड्यूस हुई थी वो यूटिलाइज कर लेंगे प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर फोर जब हम जी पी पी से माइनस कर देंगे हमारा रेस्पिरेशन रेट प्लांट का तो वो हमारी आ जाएगी नेट प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्शन है जो हैट्रोट्रोस या मतलब कि कंज्यूमर्स के लिए या डीकम्पोजर्स uh, के लिए अवेलेबल होती है ठीक है नेचुरली अवेलेबल होती है अब यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आए तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो रेट ऑफ फॉर्मेशन है जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है बाय कंज्यूमर्स क्यों क्योंकि पहले हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे थे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो है कंज्यूमर्स फीड करेंगे हमारे एन को और उसके बाद जो फॉर्मेशन बनेगा न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बाय द कंज्यूमर दिस विल बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अभी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है पहला तो ये कि कितने सारे प्लांट्स ने एक एरिया ले रखा है पर्टिकुलर एरिया में वो इनहैबिट करते हैं ठीक है प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग पर्टिकुलर एरिया नेक्स्ट इस कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट अब अगर हम नॉर्मली देखें तो नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है एनुअली इट इज अप्रोक्सीमेटली वन बिलियन टन ऑफ़ ऑर्गेनिक मैटर जिसमें सेवेंटी परसेंट uh, जो है वो हमारा uh, क्या नाम है ऑक्यूपाई करता है सरफेस ऑफ द अर्थ को जिसमें से भी फिफ्टी फाइव बिलियन टन जो है सिर्फ ओशियन से ही आता है रेस्ट जो है वो सारा हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से आता है सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो अर्थ वॉर्म्स हैं उनको हम एज अ फार्मर्स फ्रेंड मानते हैं क्यों क्योंकि हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का प्लस ये सॉइल की लूजनिंग भी करते हैं राइट सो यहाँ पे क्या होता है कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटांस इनऑर्गेनिक सब्सटांस में आते हैं हमारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड न्यूट्रियस अब इस पूरे प्रोसेस को मतलब कि इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को जहाँ पे डाउन हुआ था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इंटू इन ऑर्गेनिक सब्सटांस इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ठीक है अब एनवायरमेंट में कुछ डेड प्लांट्स के रिमेन्स रह जाते हैं बोले तो जैसे लीव्स बाग फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर ऑल्सो इन सब को हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज डेटराइटस ठीक है अब ये जो डेटराइटस है यही एक रॉ मटीरियल काम करता है डीकम्पोजिशन के लिए क्योंकि इन्हीं का ही टूटना होता है ठीक है इन्हीं का ही कॉम्प्लेक्स uh, फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बनना होता है तो जो हमारा प्रोसेस है डीकम्पोजिशन का उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं पहला आता है फ्रैगमेंटेशन सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा जैसे हमारे जो डेटराइटि है हैं डेट्राइटिव कौन अर्थ वार्म जो हमारे क्या करेंगे या हम इनको डीकम्पोज भी बोलते हैं जो ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन टू इनऑर्गेनिक सब्सटांसिस सो जो हमारे डेटराइटिव डेटराइटि वोवस हैं वो अपने रॉ मटीरियल को तोड़ना चालू करेंगे रॉ मटीरियल क्या था डेटराइटस था सो so, डेट्राइटस को तोड़ना चालू करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का या कॉम्प्लेक्स डेट्राइट का छोटे फॉर्म्स में टूटना टूटनाज फ्रेगमेंटेशन स्टेप इज लीचिंग अब लीचिंग से क्या होता है जो हमारे वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी मतलब वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं सोल्यूबलाइज हो सकते हैं वो आ, आई मीन दे विल मेक वे टूवर्ड्स दी सॉयल होराइजन ठीक है तो दे विल गो डाउन एंड इन टू दी सॉयल होराइजन और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अन अवेलेबल सॉल्ट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में क्या होता है जैसे कि हमारे कुछ बैक्टीरियल और फंगल इंजाइम्स हैं जो डेटराइटस को डिग्रेड करते हैं इन टू मोर सिंपलर इनऑर्गेनिक सबस्टांसिस तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म आ जाता है सो द डिफ्रेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म इज की वहाँ पर तो एक फिजिकल टूटना uh, हो रहा था स्मॉलर पार्टिकल में ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा केमिकल टूटना हो रहा है मतलब कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम सो मोर ओवर एंजाइम्स आर रिलेटेड और एंजाइम्स आर यूज इन दिस प्रोसेस नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन अब क्या होता है ये जो हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं ये एक के बाद एक मतलब ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं ठीक है मतलब एक साथ सारे स्टेप्स एक साथ चल रहे होते हैं नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन जो कि डीकम्पोजिशन uh, के टाइम पे uh, मतलब चल रहे होते हैं दिस अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉयल सो जो हमारा टॉपिक है जो हमारा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन अब ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है यहाँ पर सॉयल में एक डार्क कलर्ड एमोफिस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है इसको हम कहते हैं ह्यूमस ठीक है अब ह्यूमस क्या है इट इज़ अ डार्क कलर्ड एमोफिस सब्सटेंस अब ये जो ह्यूमस है ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए और अंडरगो जाता है डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट अब क्योंकि ये इन नेचर है तो ये किस तरीके का रिजर्वॉयर सर्व करेगा एज ऑफ न्यूट्रिय क्योंकि यहाँ पे इट्स इट कंटेन्स और इट

ये एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है प्लस ये जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल क्या है किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है रॉ मटेरियल का मतलब कि कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस का ठीक है अगर तो हमारा डेट्राइटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है या कॉन्स्टिट्यूट uh, करके रखता है कुछ ऐसा सबस्टांस विच आर रिच इन लिग्निन एंड काइटिन तो हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्लो रेट पर होगा ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर डेट्राइटस det जो है इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबर Like तो रिकम्पोजिशन है, uh, so है, है जो हमेशा इसको इंक्रीज या मतलब इसको एक बैकअप देगा फॉर दास्टर डिकम्पोजिशन ठीक है दिस विल फेवर डिकम्पोजिशन वेर एस जहां पर लो टेम्परेचर हो गया या एनोरबीओस हो गया तो दिस विल इनहिबिट डीकम्पोजिशन हाउ बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स और हमें डीकम्पोजिशन में क्या चाहिए होता है हमें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक चाहिए होता है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का सन एक ओनली सोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ प्रेजेंट ठीक है बट एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम क्यों क्योंकि वहाँ तक सन की रेडिएशन जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस जो सन का जो टोटल परसेंट होता है उसमें से लेस देन फिफ्टी जो होता है वही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन माना जाता है सो लेस देन फिफ्टी इट इज़ बट इसमें से भी जो प्लान्स हैं जो कैप्चर करते हैं वो इट इज़ टू टू टेन ऑफ द पार और आई मीन पी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमारे हो जाते हैं, जो करते हैं सन की रेडियंट एनर्जी को टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल थिंग इज की ऑल ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड ऑन प्रोड्यूस इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो यहां पर बात है कि एक कांस्टेंट एनर्जी या कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है टू सिंथेसाइज़ दी मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर इसीलिए सन की जो रेडिएशन है वो कांस्टेंट जो है वो होनी बहुत जरूरी हो जाती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एंड नॉट फॉर ओनली प्रोड्यूसर्स वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड और यू नो डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स सो दर इट इज नीडेड फॉर ऑल दी ऑर्गैनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ द थिंग इज की जो ग्रीन प्लांट है इको सिस्टम में वो हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्यों क्योंकि ये हमारे लिए खाना बनाते हैं सो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम में इट विल भी हर्बेशियस और, और दी वुडी प्लान्ट बट लाइकवाइज इन दी एक्वाटिक इको सिस्टम इट विल भी फाइटो प्लांटन एल्गे एंड हायर प्लाट्स हायर प्लान्टो हमने बात करा था कि ईधर दे विल भी मार्जिनल और फ्लोटिंग प्लांट्स और दी सबमोर्ज uh, प्लांट्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं सो प्लांट्स विल एक्ट एज दी प्रोड्यूसर्स अब क्या होता है कि जो जो uh, क्या नाम है जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करती है फूड चेन या फ़ूड वेब अब फूड चेन और फूड वेब हमेशा एग्जिस्ट करेगी या डिपेंड करेगी कि जो हमारा इंटरेक्शन है या जो इंटरडिपेंडेंसी है एनिमल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे पे वो किस तरीके की है ठीक है जनरली इकोसिस्टम में हमेशा फूड वेब काम करता है फूड चेन इज़ फॉर द एग्जाम्पलरी पर्पस। नेक्स्ट थिंग इज कि जितनी भी एनर्जी ट्रैप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कभी भी उसी ऑर्गेनिज्म में ख़त्म नहीं होती है इट हैज़ टू हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म और द अदर फॉर्म राइट सो अब क्या होगा कि किसी भी कोई भी एनर्जी का फॉर्म किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिमेन नहीं रहेगा फॉर एवर बट दिनर्जी जो ट्रैप हुई है बाई द प्रोड्यूसर्स वो हमेशा पास ऑन होगी इधर टू द कंज्यूमर या फिर वो प्लांट जब डाई कर जाएगा तो उसके बाद फिर वो एज अ ही डिसिसिपेट हो जाएगी या किसी भी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी सो डेथ ऑफ़ दी ऑर्गेनिज्म के बाद क्या हो जाएगा वहाँ पे फिर उसका डेट्राइटस फॉर्म हो जाएगा और वहाँ से हमारी डिकम्पोजिशन फूड चेन या फूड वेब शुरू हो जाएगी नेक्स्ट इज़ हमें पता है कि ऑल एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं किसपे प्लान्ट या प्रोड्यूसर्स पे इधर डायरेक्टली और इनडली सो हम इनको कहते हैं कंज्यूमर इनको नाम दिया हमने कंज्यूमर जैसे हमने कहा था कि जनरली हमारे हॉबी होते सॉरी हमारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वैसे कंज्यूमर्स में जनरली हम हेट्रोट्रोव कह देते हैं जैसे कि वो हमारे ऑटोट्रोफ्स थे राइट सो हेट्रोट्रोव जो है वो हमारे कंज्यूमर्स हो जाते हैं यहाँ पे भी बात होती है कि या तो वो वाले कंज्यूमर जो डायरेक्टली फीड ऑन करते हैं प्लांट पर जिन्हें हम हॉबी कहते हैं या वो वाले कंज्यूमर जो हॉबी वोस पर डिपेंड करते हैं या फीड करते हैं तो उन्हें हम कानी वोर कह देते हैं वैसे एक वोटिक इको में हमारे हो जाते हैं ये जो कंज्यूमर्स है वो हो जाते हैं मलस्क ठीक है और जो इन द फॉर्म ऑफ दी हर्बी वोस की बात कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं हम हर्बी वोस को ठीक है तो हर्बी वोस के हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर क्यों क्योंकि दे आर दी फर्स्ट वन दोज हुर फीडिंग ऑन दी प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर आता कंज्यूमर में भी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे किसने फीड किया सो दे आर दी हर्बी वोज एंड देर वी नो वी नो दैम एज दी प्राइमरी कंज्यूमर सो इन दी टेरिस्ट्रियल इट वुड बी बर्ड्स और इन्सेक्ट्स और सम मैमल्स जैसे कि हमारे जो भैंस बकरी जो चढ़ते हैं घासों को वो हो जाते हैं बट इन दी एक्वोटिक सिस्टम इट विल बी नेक्स्ट इज़ उसके बाद भी हमारा हो जाता है एक हो जाता है हमारा प्राइमरी इकानीवोर और एक हो जाता है हमारा सेकेंडरी ऑफ कोर्स लेबलिंग ऑन दी स्ट्राटिफिकेशन ठीक है इसके नीचे एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा फूड चेन का जैसे कि जो ग्रास है वो हमारा प्रोड्यूसर हो गया अब ग्रास को खाया गोट ने तो गोट हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर ठीक है अब जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है हमारा यहाँ पे हो गया हर्बी हो चुका है मैन है मैन जो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा क्यों क्योंकि जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट uh, है गोट पे है ऑल वैसे तो मैन ग्रास भी खाए ग्रास नॉट इन द सेंस ऑफ ग्रास बट ऑफ कोर्स प्लांट का कंजम्पशन तो करते ही हैं अब नेक्स्ट आता है डेट्राइटस फूड चेन सो डेट्राइटस फूड चेन में क्या हो जाएगा इट विल इट विल बिगिन विद दी डेड मैटर और दी डेड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है जो मेड अप होता है डीकम्पोजर्स से अब जो जो डिकम्पोजर्स है वो हमारे होते हैं हेटरोट्रोफिक इन नेचर और हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे हो गए फंगी एंड बैक्टीरिया सो नाउ दो ऑर्गेनिजम्स जो इस डेट्राइटस पे फीड करते हैं जिनकी एनर्जी और न्यूट्रियन रिक्वायरमेंट इन डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिज्म या मैटर से पूरी होती है उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रोफ्स ठीक है आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक क्या नाम है डीकम्पोजिशन वाले प्रोसेस में एक हमारा सब स्टेप था वो था कैटाबॉलिज्म सो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि वहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बदल रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइमेटिक एक्शन राइट सो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी सेम हो रहा है डीकम्पोज है वो सिक्रीट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इवेंचुअली ब्रेक डाउन करता है डेड एंड वेस्ट मटीरियल को किस में सिंपल एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल में जो कि फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा उन्हीं से ठीक है अब बात आती है कि ये जो हमारा जो फूड चेन है या जो फूड वेब है सपोज डेटराइट का अलग हो गया ियल का अलग हो गया और हमारा एक्वाटिक का अलग हो गया ये जनरली कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ठीक है अब कहीं ना कहीं इनका जो नेचुरल इंटरकनेक्शन है फूड चेन का उनको हम कह देते हैं फूड वेब ठीक है सो फूड चेन जो हमने जस्ट पहले एग्जाम्पल पढ़ा था इट वॉज ग्रास ग्रास से गोट और गोट से ह्यूमंस ठीक है अब जब ये चीजें और कहीं और का एक और फूड चेन जब इंटरलिंक हो जाएगा आपस में इट विल फॉर्म एज अ फूड वेब नेक्स्ट इज़ फीडिंग हैबिट या फीडिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम आ, किसी भी स्पीशीज़ को या किसी भी यू नो ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस ऑक्यूपाई करवा दे किसी फूड चेन में तो उन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल अब उस ट्रोफिक लेवल पे सबसे पहले वाले लेवल पर हमेशा होते हैं प्रोड्यूसर्स ठीक है दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो पहले वाले पे होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर्स जो कि हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फाइटो प्लान ग्रास एंड ट्रीज प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हॉबी वोज

है. अब जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर होती है तो ये फॉलो करती है टेन परसेंट टेन टेन परसेंट लॉ टेन परसेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमेशा टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे दैट मीन्स इट विल ट्रांसफ़र टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल सो दिस विल बी द टेन परसेंट लॉ नेक्स्ट इज़ जो हमारी जो डिमांड्स पूरी होती है एनर्जी की ओवर द ट्रॉफिक लेवल वो हम हमेशा वो हम एक तरीके से काउंट करते हैं एज द बायोमास ठीक है मतलब कि कितना यू नो मेजर एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया सो इसको हम जनरली कहते हैं कितना लिविंग मटीरियल या कितना मास ऑफ लिविंग मटीरियल एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ट्रॉफिक लेवल पर है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप ठीक है तो हमें यह भी पता होना चाहिए ये वर्ड यहाँ पर हाईलाइटेड है सो बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप टेन परसेंट लो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ये जो हमारा डायग्राम है ये बता रहा है कि सन से जो हीट आई वो कितनी लेस देन फिफ्टी परसेंट होती है पार के रूप में ठीक है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और उसमें से भी टू टू टेन परसेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है तो हमारे फर्स्ट प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रोफिक लेवल पे हो गए प्रोड्यूसर्स दैट आर प्लांट कुछ हीट डिसिसिपेट हुई और कुछ हमारे हॉबी ने खा लिया कुछ हीट डिसिसिपेट हुई और कुछ हमारे कानीवोज ने खा लिया अब कानीवोन ऑफकोर्स हमारे कौन से लेवल के हैं अब क्या होगा कि जब एक दूसरे पर यह फीड होने लगेंगे और एक ये, ये मैश क्रिएट कर लेंगे वहां पर हमारा फूड चेन नहीं रह जाता वहां पर हमारा बन जाता है फूड वेब नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स अगर हम उसकी एक शेप समझना चाहें सो इट्स इट इज ऑलवेज ब्रॉड ठीक है ब्रॉड एट द बेस एंड एपेक्स वेन इट कम्स अप ठीक है सो so यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें अपनी फूड या एनर्जी की रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल तो हम उसको अलग अलग तरीक़ों से मैनेज uh, करके समझा सकते हैं ठीक है अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्रेस हुई है इन द टर्म्स ऑफ नंबर बायोमास एंड एनर्जी अभी हम यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझेंगे जैसे नंबर सो so, जनरली क्या होगा हमारा जो ग्रास लैंड एकोसिस्टम है ग्रास लैंड एको सिस्टम में प्रोड्यूसर्स हमेशा लार्जर नंबर में प्रेजेंट होंगे उसके बाद ये जो है चीज़ें डिक्रीज करती जाएंगी जिसकी वजह से ये हमारा पिरामिड सही बन रहा है ठीक है नेक्स्ट इज़ हमारा बायोमास सो बायोमास अगेन हम ग्रास लैंड पे बात करेंगे तो आ, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा होंगे देन उसका जो बायोमास क्रिएट होगा देन इट्स लाइक इस तरीके से तो हमारा यहाँ पे सही पिरामिड बन रहा है अब अगर हम सेम बायोमास का एग्जाम्पल ले लें कहाँ पे ओशन में या हमारा एक्वाटिक उसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा जो बायोमास है किसका फाइटो का वो कम होता है और किसको सपोर्ट करता है ज़्यादा जू को सो so, फाइटो के हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ठीक है सो प्रोड्यूसर्स आर लेस इन दिस जबकि हमारे जो आ, क्या नाम है जू प्लैंगटोन है या बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो ज्यादा है जिसकी वजह से जो हमारा पिरामिड है वो अप अपराइट नहीं बनता है इट इट इज इन्वर्टेड पिरामिड और इन्वर्ट पिरामिड किस चीज़ का है बायोमास का है और कहाँ पे है हमारा उसका इकोसिस्टम का है तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है अब क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जनरली डिक्रीज करता है सक्सेसिव प्रॉफिक लेवल पे ठीक है जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म डाई कर गया तो उसका जो कन्वर्ट इट विल बी कन्वर्टेड इन टू डेटराइटस और डेड बायोमास और जो कि एनर्जी के रूप में काम करेगा किसके लिए फॉर द सोर्स ऑफ द डीकम्पोज राइट और ये तो हम बात ही कर ची ही चुके थे ऑफकोर्स जिसको हम क्या कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के नाम पे भी हम उसको रिलेट करते हैं सो so, यहाँ पे अब इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो हमारा पिरामिड बन रहा है इन इन द अकाउंट फॉर दी एक्वाटिक इको सिस्टम वहाँ पर वो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा फॉर दी बायो मास बट द थिंग इज़ जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पिरामिड फॉर दी एनर्जी तो जो एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट बनता है इट कैन नेवर बी इन्वोर्टेड एट एनी केस और एट एनी सिनारीो इन एनी सिनारीो क्यों क्योंकि बिकॉज uh, की जो एनर्जी फ्लो करती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर पहुँचती है और हमेशा एनर्जी सम अमाउंट ऑफ दी एनर्जी ऑलवेज इज लॉस्ड एज हीट इन ईच स्टेप और इसी तरीके से हमारा टेन परसेंट जो लॉ है वो यू नो फॉलो होता है इस टाइम पे इज़ देर एनी थिंग लेफ्ट इन दिस टॉपिक ओके वन थिंग इज ऑल्सो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पीशीज़ राइट वाई बिकॉज सेम स्पीशीज़ कैन बी अकाउंटेड फॉर टू और मोर देन टू इको सॉरी फॉर टू और मोर देन टू ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम और इन एन हमारा पिरामिड जो हम बात कर रहे हैं वाई अगर हम सपोज बात करते हैं स्पैरो की तो इफ़ द इज़ फीडिंग ऑन फ्रूट और सीड्स और यू नो पीज समथिंग लाइक दैट तो वो हमारी क्या हो जाएगी वो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी सो so, वो हमारा एक लेवल नीचे का ऑक्यूपाई करेगी ट्रोफिक लेवल में इन द पिरामिड बट वेर एज इफ दी स्पैरो यू नो फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स दैन वो हमारा एक सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम करेगी तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जो हमारा पिरामिड है जो हमने पढ़ा है इट जनरली डज नॉट अकाउंट फॉर एवरी थिंग वी हैव स्टडीड सो फार वॉट वी हैव स्टडीड सो फार इज कि जो हमारा पिरामिड है वो इसको इस चीज़ को अकाउंट में लेके चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक फूड चेन के उसमें पढ़ रहे हैं और जनरली नेचर में फूड चेन नेवर एग्जिस्ट एग्जिस्ट वॉट एग्जिस्ट इज फूड वेब राइट पहला दूसरा इन्होंने सेप्रो सेप्रोफाइट्स को कोई जगह ही नहीं दी है इकोलॉजिकल पिरामिड में देयर इज नो प्लेस और नो ट्रॉफिक लेवल फॉर सेप्रोफाइट्स नेक्स्ट इज मोर देन वन स्पीशीज जो बिलोंग कर रही हैं दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पे उनके बारे में भी इन्होंने कोई बात नहीं करी है सो इट डज़ नॉट एकोमोडेट इन टू दिस पिरामिड so, सो यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा फेलियर माना जा रहा है या हम इसको ये कह देते हैं कि लिमिटेशन हो जाती है हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड की जिन्होंने कुछ चीजें जो फॉलोइंग चीजें मैंने बताई हैं उसको इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल सक्सेशन सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ सक्सेशन हैपन्स इन एनी ऑफ द Uh, any of the habitats say either on the terrestrial mode or the aquatic mode, like the land or the water, right? So इकोलॉजिकल सक्सेशन के हिसाब से अगर हम समझें तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि कोई भी कम्युनिटी जो है उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका जो कॉम्पोजिशन है और जो उसका स्ट्रक्चर है किसी भी कम्युनिटी का जो कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है किसको को विद दी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन सो ये दोनों अपने आप को किस चीज़ के लिए रिस्पोंड करेंगे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज करेंगे अब जब ये लोग चेंज करते हैं कोई भी कम्युनिटी चेंज uh, जाती है तो वो कोशिश करती है कि वो कम्युनिटी एक इधर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखें या वो स्टे uh, कर सके नियर इक्विलीबरियम वाले मोड पर सो ये so, जो नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट वाला जो मोड होता है किसी भी कम्युनिटी का इसको हम कहते हैं कि अब कम्युनिटी कहलाई जा रही है क्लाइमैक्स कम्युनिटी ठीक है अब यही जो हमारा ग्रेजुअल या फेयरली प्रडिक्टेबल चेंज जो हो रहा है हमारी स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन में किसी भी गिवन एरिया में किसी भी गिवन टाइम पर इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन अब ये जो एंटायर सीक्वेंस है हमारा कम्युनिटी का जो सक्सेसिवली चेंज हो रहा है किसी भी एरिया में उसको हम कहते हैं सेयर ठीक है और उसके हर एक स्टेज जो चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं सेरल स्टेज उसको हम कहते हैं सेरल स्टेज ओके सो so, यहाँ पे चेंज होते वक्त हम ये देखते हैं कि जब डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़ या किसी ऑर्गेनिज्म में जब हमारा चेंज आ रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे तो वहाँ पे इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म होता है या इंक्रीज इन दी टोटल बायोमास भी हो सकता है दोनों एक साथ भी हो सकते हैं सो so, फाइनली सक्सेशन जो है वो इस तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी लाइफ शुरू होती है कहाँ कौन सी जगह पे लाइफ शुरू होती है जहाँ पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अब दो चीज़ें हो सकती हैं या तो वहाँ पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी या वहाँ पे कभी कुछ था पर बीच में किसी भी कैटास्ट्रफिक uh, कंडीशन की वजह से या किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से वहाँ पर फ़िलहाल लाइफ ज़ीरो हो गई सो जहाँ पर कभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था वहाँ पर अगर हमारी लाइफ आ रही है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन और जहाँ पर ज़ीरो था मतलब पहले कभी कुछ एग्जिस्ट किया होगा बट इन द रिसेंट टाइम इट्स जीरो और न्यूट्रल सो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन सो so, कायदे से देखा जाए जहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं वहां से सक्सेशन और पूरी पूरी लाइफ या कम्युनिटी को स्टैंड करना एक बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है ठीक है नेचुरली ठीक अब यहाँ का जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है उसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि लावा जो न्यूली कूल्ड लावा है जो लावा निकला अगर हम मतलब टाइम दें उसको कूल cool करने के लिए तो वहां पर अगर कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है सो दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी कम्युनिटी देन बेयर रॉक जस्ट वेट अ मिनट ओके सो न्यूली कूल्ड लावा बेयर रॉक न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्व तो यहाँ पे हमारी बायोटिक कम्युनिटी अगर हम इस्टबलिश करना चाहें तो बहुत स्लो होगी क्योंकि ये प्राइमरी सक्सेशन है क्योंकि इसको टाइम लगता है बिल्कुल ज़ीरो या बिल्कुल क्रॉस से कुछ चीज़ को एग्जिस्टेंशियल उसमें लाना कंडीशन में लाना ठीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन सो सेकेंडरी सक्सेशन बोले तो कि जहाँ पे कभी कोई बायोटिक कम्युनिटी रही होगी पर किसी भी कैटास्ट्रफिक मोड से वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है अबैंडन फार्म लैंड बॉन्ड और कट फॉरेस्ट लैंड दैट फ्लडेड अब यहाँ पे इन रिलेशन टू प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पर फिर भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी फास्टर होता है क्यों क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ सॉयल या सेडिमेंट प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ पे सक्सेशन विल बी विल बी फास्टर इन रेट ओके नेक्स्ट इज यस वन मोर थिंग कैन हैपन ये जो हमारा कोई भी सपोज हमारा कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश होने के उसमें है मतलब इट इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिशन यू नो इन द कमिंग ईयर्स और इन द कमिंग मंथ्स मतलब आने वाले टाइम में वो इस्टेब्लिश होना चाह रहा है बट सपोज कोई नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूसड डिस्टर्बेंस हो जाता है किस तरीके का डिस्टर्बेंस या तो फायर होगा या डिफॉरस्टेशन होगा या किस कोई मतलब डैम जो है वो ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है तो ह्यूमन कॉज्ड फ्लड की बात हो रही है नेचुरल फ्लड की बात नहीं हो रही वैसे नेचुरल भी चीज़ें हो सकती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी स्टेज पर वो सक्सेशन पहुंचा है हमने बात करी थी कि उस स्टेज को हम कहते हैं सेरल स्टेज क्योंकि जिस स्टेज के अंदर वो सक्सेशन में जा रहा है सो so, जिस भी स्टेज पे जिस भी सेरल स्टेज पे हमारा सक्सेशन चल रहा होगा वो एक अर्लियर मोड ऑफ सेरल स्टेज पे जाकर पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ़ दी ह्यूमन और दी नेचुरल इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस की वजह से तो यहाँ पर क्या होगा एक तो हम पीछे वाले स्टेप पर चले जाएंगे दूसरा देर आर चांसेज कि ये इनक्रेज करता है कुछ और स्पीशीज़ को डिस यू नो एलिमिनेट करने को या एक्सटिंट होने को सो एनीथिंग कैन हैपन नेक्स्ट इज सक्सेशन ऑफ प्लांट्स सक्सेशन ऑफ प्लांट्स जो होता है वो है वो डिपेंड करता हैबिटेट हैबिटेट पे habitat हमारे पे हमारे दो तरीके के फिर माने जाएंगे तो हैबिटेट दो माने जाएंगे एक होगा हमारा वाटर या वेट एरियाज या हमारा ड्राई एरियाज होगा मतलब कि लैंड होगा तो जैसे हमारा यहाँ पे दो हो गया एक होगा हमारा वेट और एक हो गया हमारा लैंड ठीक है यहाँ पे जो हमारा सक्सेशन होगा वेट वाली जगह को हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रार्क सक्सेशन हो रहा है और लैंड या फिर ड्राई वाली जगह पर हम कहेंगे वेट वाटर लैंड ड्राई ठीक है सो ड्राई वाले पे हम कहेंगे ज़रार्क सक्सेशन हो रहा है यहाँ पे एक बात समझने की वो ये है कि हमेशा हम एक कॉमन चीज़ पर आने की कोशिश करते हैं जिसे हम क्लाइमैक्स कम्यूनिटी भी कहते हैं ठीक है तो वाटर जहाँ पे हमारा सक्सेशन हो रहा होगा जहाँ पे हमारा हाइड्रार्क सक्सेशन हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं एग्जिस्टिंग जो भी हमारी बायोटिक कम्युनिटी या लाइफ फॉर्म है वो हाइड्रिक से मेज़िक पर आने की कोशिश करेगी जबकि जो ड्राई है वो हमारी जेरिक से मैज़िक पर आने की कोशिश करेगी इसका मतलब ना तो हमारी कम्युनिटी टू वेट होनी चा, होना चाहती है ना वो टू ड्राई होना चाहती है तो वो एक बीच का क्लाइमेक्स कम्युनिटी अटेन करना चाहती है विच इज़ मैज़िक इन फॉर्म ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे सक्सेशन जो है हमारा वो बीच की कंडीशन में रहेगा विच विल बी मैज़िक सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी सक्सेशन हो या किसी भी हैबिटेट का सक्सेशन हो वो एक ही क्लाइमैक्स कम्युनिटी को पाना चाहता है विच इज़ मैज़िक इन नेचर ओके नेक्स्ट इज कि कहीं पर भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सक्सेशन जब कोई पहली स्पीशीज़ कोई भी पहली स्पीशीज़ हमारी जब इन्वेड करती है और वहाँ पर एक बेसिक लाइन ड्रॉ करती है उस एरिया पे उसे हम पायनियर स्पीशीज़ कहते हैं सो so, पायनियर स्पीशीज़ जो है वो पहली स्पीशीज़ होती हैं जो किसी भी बेयर एरिया को इन्वेड करती हैं तो अगर हम बात करें किसी रॉक की ठीक है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन की सो प्राइमरी सक्सेशन में हमने ले लिया रॉक तो रॉक पे जो बायरी स्पीशीज़ होंगी वो होंगी हमारी लाइकन्स ठीक है लाइकस जो है वो कुछ इस तरीके के एसिड सिक्रिएट करेंगे जो हेल्प करेंगे इस रॉक को डिजोल्व होना जब रॉक डिजोल्व हो जाएगा तो वेदरिंग हो जाएगी इसकी इन द दॉयल ठीक है अब जब वेदरिंग हो जाएगी तो सॉयल फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे जो कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं अब जब ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे दे बी एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉयल मतलब कि वो सॉयल में अपने आपकी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे वाई बिकॉज दे आर द स्मॉल प्लांट्स धीरे धीरे हम देखेंगे कि सक्सीड हो जाएगा हायर प्लांट्स और अल्टीमेटली एक स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी फॉरेस्ट तो हम देख रहे हैं एक बेयर रॉक से पूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन सो so यहाँ पर जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो uh, मतलब वो तब तक रहेगी ये जो हमारी फॉरेस्ट कम्युनिटी है ये तब तक इसी तरीके से रहेगी या इट विल रिमेन अनचेंज एंड अनटचड जब तक हमारा एनवायरमेंटल चेंज नहीं आता

जो हमारा वाटर का या जो ओशन का होता है जहां पे फाइटो मतलब कि प्रेजेंट होते हैं वहां उसका हमारा अपराइट नहीं बनता वो हमारा इनवर्टेड बनता है ठीक है एक तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए हमें चलो मूविंग फॉरवर्ड फाइटो प्लान आएंगे अब कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे जो फाइटो प्लान है वो आ, क्या नाम है रिप्लेस हो जाते हैं रूट सबमर्स्ड प्लान से फिर वो फ्लोटिंग एनजियो बनेंगे फिर वो फ्ली फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बन जाएंगे फिर वो मेडोज एंड श्रब्स और फाइनली ट्रीज बन जाएंगे अब यहाँ पर भी जो क्लाइमैक्स होगा वो होगा तो फॉरेस्ट ही पर धीरे धीरे यहाँ का जो सारा पानी है वो भी अप हो जाएगा और फाइनली एक लैंड कंडीशन बन जाएगी तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ हाइड्रिक कंडीशन से क्या बना यासे? यहाँ से यहाँ पर हाइड्रिक कंडीशन क्या होता है कि हम हमेशा किसी, जो भी हमारी जो करने वाली है वो किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगी ही करेगी क्यों क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कुछ ना कुछ लाइफ फॉर्म कभी किसी जमाने में प्रेजेंट तो था ही. ठीक है सो so यहाँ पे जो डिपेंडिंग होंगी वो कंडीशन हो सकती है सॉइल की अवेलेबिलिटी ऑफ़ वाटर की कंडीशन ऑफ़ द दॉयल अवेलेबिलिटी ऑफ़ वाटर एनवायरमेंट की भी और हो सकता है कभी कभी सीड एंड पर्पीक्यूल्स की भी ठीक है तो हमारा जो रेट ऑफ सक्सेशन है इन दी सेकेंडरी सक्सेशन वो हमेशा ज़्यादा होगा इन द क्वान्टी ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन ये हमें पता ही है सो so क्लाइमैक्स जो है इट विल बी रीच्ड मोर क्विकली राइट और ये प्राइमरी सक्सेशन जो है ऑफकोर्स स्लो प्रोसेस है तो इट विल टेक मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ़ ईयर्स फॉर देम टू रीच टू द क्लाइमैक्स पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि चाहे हमारा सक्सेशन वाटर का हो चाहे लैंड का हो पर वो प्रोसीड करेगा एक सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जो कि हमेशा रहेगा मैजिक या मिजोफिटिक इन नेचर अंडरस्टैंड प्राइमरी सक्सेशन इन देडरार्क कंडीशन विद दी हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पे हमें पॉन्ड दे रखा है पॉन्ड में हमारे फाइटो प्लांटनज होंगे फर्स्ट स्टेज हो जाएगी उसके बाद समर्ज प्लांट मतलब कि कोने कोने में छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे राइट नेक्स्ट इज़ सबमर्स्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब कि अब जैसे नीचे थे पहले नीचे वाले बनने लगे हैं फ्री फ्लोटिंग भी बनने लग गए हैं जब फ्री फ्लोटिंग बन जाते हैं तो ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और ये अपनी जड़ जो है वो नीचे तक दबा लेते हैं मार्श मेडो बोले तो अब ये पूरा का पूरा जो है हमारा एरिया आर इस कवर्ड विद दी प्लांट्स और फाइनली क्या होगा स्क्रब स्टीज बनने के बाद एक पूरा फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जो फॉर्मेस्ट का फॉरेस्ट का फॉर्मेशन है ये वेट वेट से मेजिक में आया है या हमारी हाइड्रिक कंडीशन से मीजोफिटिक कंडीशन में आया और हमारा प्राइमरी सक्सेशन था वाई बिकॉज इट वॉज अ पॉन्ड और इट वॉज अ वाटर बॉडी नॉर्मल वाटर बॉडी नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिय साइकिल सो न्यूट्रिएंट साइकिल हमें पता है कि uh, क्या नाम है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए होती है न्यूट्रिय की वॉट फॉर फॉर टू ग्रो टू रिप्रोड्यूस एंड टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस अब हमारे कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय हैं जैसे कि हमें अलग अलग जगह से हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं लाइक कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फरस कैल्शियम सल्फर एसेट्रा दिंग इज कि जो हमें जो हमें रेडिली अवेलेबल होते हैं सॉइल में उसको हम स्टैंडिंग स्टेट भी कहते हैं ठीक है और हमारा कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो डिफरेंट काइंड का वो डिपेंड करता है कि कौन सा इकोसिस्टम है प्लस कौन सा सीजन चल रहा है दैट डिपेंड्स ऑन दी सीजनल बेसिस एज वेल सो इस चक्कर में अगर हम समझें तो न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या हो जाएगी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो जाएगी किसी भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट का जो रास्ता है या जो उसकी जर्नी है या जो उसकी मूवमेंट है जब वो किसी किसी कंपोनेंट्स के थ्रू होती हुई किसी एक इकोसिस्टम में पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो इसको हम बायो जियो केमिकल भी कहते हैं बायो जियो केमिकल क्यों क्योंकि जो कंपोनेंट्स जिसके थ्रू ये हमारी चीज़ें पहुंच रही हैं इकोसिस्टम में वो इंक्लूड कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रॉक एंड एयर एंड वाटर एंड एवरीथिंग ओके नेक्स्ट इज जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है वो दो तरीके की हो सकती है गैसियस और सेडिमेंट्री इन नेचर सो गैसियस एंड सैडीमेंट्री इन नेचर का मतलब यह है कि सबसे पहली बात कि गैसियस में हमारी कौन कौन सी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो हम याद कर सकते हैं सी एन जी सो सी एन जी से हमारा जी गैसियस है सी इज़ कार्बन एंड एन इज़ नाइट्रोजन उसके अलावा जो हमारा सेडिमेंट्री उसको हम याद कर सकते हैं एस एस पी सो एस फॉर सेडीमेंट्री एस फॉर सल्फर एंड पी फॉर फॉस्फरस तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रिय Available in the form of gaseous stage and in the form of sedimentary stage. The most important point to understand in this paragraph is that the gaseous stage is the reservoir of the atmosphere and the sedimentary stage the gaseous present of the reservoir of crust earth. This is the most important point to look after all to learn. So, reservoir for gaseous type of nutrient is that exists in the atmosphere. sedimentary cycle ka reservoir is located in the earth crust. So, this is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके अलावा कुछ एन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट uh, करते हैं तो द एन्मेंटल फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग और और टू रेगुलेट द रेट ऑफ द रिलीज ऑफ द एनवायरमेंट इन द दर विल बी सॉयल मॉइस्चर पीएच एच टेम्परेचर सो द फंक्शन ऑफ़ द रिजर्वॉयर फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर जो कि कौन कौन से थे गैसेस के स्टेज में एटमोस्फेरिक था और सेडिमेंट के स्टेज में अर्थ का क्रस्ट था तो इनका मेन फंक्शन होता है टू मीट द डेफिसिट विच अकर्स ड्यू टू द इम्बेलेंस इन द रेट ऑफ द इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स मतलब कि कितना न्यूट्रियट अंदर गया और कितना न्यूट्रिय बाहर कॉम्पोनेंट के थ्रू घूम कर आ रहा है उस चीज़ की डेफिसिट को मीट करना और उसका इम्बैलेंस को एक तरीके से नॉर्मेलाइज करना कार्बन साइकल को पढ़े तो कार्बन साइकिल में 49% ऑफ दौन कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है तो ये द वाटर है मतलब कार्बन ही है, जो इतना करके रखता है 49%. कि अगर हम टोटल क्वानिटी देखें ग्लोबली तो सेवेंटी कार्बन जो, जो है वो डिजोल्व है हमारे ओशन में और ये जो ओशनिक एक रिजर्व वॉयर्स ही है जो रेगुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इन टू दिन फेयर क्यों क्योंकि यहाँ से लार्ज परसेंटेज जो है वो उठ रहा है उसके बाद कौन कौन सी चीजें और इसको uh, क्या नाम है एडअप करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोसफेयर लाइक फ्यूल सो वट कैन बी वट कैन बी दी यू नो मोर पॉइंट टू एड इन टू द एटमोस्फेयर कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है सो फर्स्ट इज फॉसल फ्यूल नेक्स्ट इज कार्बन साइकिलिंग थ्रू ओके सो लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम से भी आता है देन फोटोसिंथिस से फोटोसिथिस uh, नॉट दैट ओके तो कंसिडरेबल रिटर्न टू दी एटमोस एक्टिविटीज प्रोड्यूस और कंज्यूमर्स है उसको बाहर लेट आउट करते हैं तो वहां से वहां से भी सी ओ टू आता है नेक्स्ट इज हम प्रोसेस करते हैं अपने वेस्ट मटीरियल्स को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को उसकी प्रोसेसिंग से भी सी ओ टू निकलता है अब उसके अलावा जो हमारा बर्निंग ऑफ वुड है और जो फॉरेस्ट फायर है मैटर फॉसल फ्यूल वॉलगैनिक एक्टिविटी ये सब कुछ एक एडिशनल सोर्स है हमारा रिलीजिंग सीओ टू इन द एटमोसफेयर अब आने वाले क्योंकि रैपिड डिफोरेस्टेशन हो रहा है मैसेव बर्निंग हो रहा है तो इन सब ने रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है नेक्स्ट इज साइकिल सो साइकिल जो हमारा नॉर्मली जो हमारा फॉस्फरस है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट हो जाता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकलब्रेन न्यूक्लिक एसिड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम और कुछ एनिमल्स को तो जरूरत होती है शेल्स बनाने में बोन्स बनाने में टीथ बनाने में या इनका फॉर्मेशन करने में ठीक है सो so, इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है फॉस्फरस का वो एक रॉक है और जनरली जो रॉक जो रॉक है उसमें से फॉस्फरस जो है वो नॉर्मल उसमें नहीं प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट अब क्या होता है जब रॉक जो है वो वे वेदर्ड होगा तो उसके छोटे छोटे अमाउंट जो हैं वो सॉइल में डिजोल्व हो जाएंगे किसके फॉस्फेट के इन द सॉइल सोल्यूशन और वहाँ से प्लांट के जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जैसे हम हो गए या हर्बी हो गए एनिमल्स हो गए ये फॉस्फरस वाला एलिमेंट प्लांट से लेते हैं ठीक है उसके अलावा क्या होता है जैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं कैसे बाय द फॉस्फेट सॉज सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फरस अब अनलाइक कार्बन कार्बन का जो आउटपुट हो रहा था वो हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम से भी हो रहा था फॉर रेस्पिरेशन से भी हो रहा था अनलाइक कार्बन यहाँ पे नो रेस्पायरेटरी रिलीज होता है और फॉस्फरस इन टू द एटमोस्फेयर अब अगर हम एक इंपॉर्टेंट दो मेजर डिफरेंसेज देखें कार्बन और फॉस्फरस साइकिल का तो पहला तो ये है कि जो एटमोस्फेरिक इनपुट है फॉस्फरस का थ्रू रेनफॉल वो हमेशा कम रहता है है या कम रहेगा दे कार्बन इनपुट सेकेंड इज की जो गैसियस एक्सचेंज है हमारे फास्फोरस का वो हमेशा नेग्लिजिबल रहेगा इन कंपेरिजन टू दी कार्बन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट अब गैसियस एक्सचेंज नेग्लिजिबल रहेगा इसलिए क्योंकि ये तो सेडिमेंट के फॉर्म में है ना ये और इसका जो रिजर्वायर है वो रॉक है रिजर्वायर एटमोसफेयर तो है नहीं सो दिस इज वाई नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इको सिस्टम सर्विसेज तो जो भी हम प्रोडक्ट या जो भी हम सर्विसेज इको सिस्टम से लेते हैं उसको हम इको सिस्टम सर्विसेज में हैं। बोल देते हैं अब जैसे कि कोई भी एक हमारा हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है सपोज हमने इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लिया तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो इट विल प्योरिफाई एयर एंड वाटर इट विल मिडिकेट मिटिगेट ड्राउट्स मतलब कि ड्राउट्स के आने की संभावना कम हो जाएगी फ्लड्स के आने की संभावना कम हो जाएगी न्यूट्रंट साइकिल सही हो जाएगा इट विल जनरेट फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मेंटेन बायोडाइवर्सिटी पॉलिनेट क्रॉप्स प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू जिसकी तो Uh, जिसपे कोई कॉस्ट लगा नहीं सकते हैं एक्चुअली क्यों क्योंकि हमें ये सब एक फ्री uh, उसमें मिल रहा है एंड देफ वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड एंड इसी दौरान रॉबर्ट uh, कॉन्स्टानजा ने और उनके कुछ कलीग्स ने कोशिश करी इन लाइफ सपोर्ट सर्विसेज पे एक प्राइस टैग लगाने का तो एक एवरेज प्राइस टैग निकल कर आया यू डॉलर थर्टी थ्री ट्रिलियंस अ ईयर और किस पे ये फंडामेंटल इको सिस्टम सर्विसज पर जिनपे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर टैग लगेगा तो हमें कितना महंगा पड़ सकता है वाई बिकॉज वी वी ऑलवेज बीन टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंडस आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो